मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर क्लास। आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर जो हमारा चल रहा था बुद्धि की करुणा, उसके प्रश्न अभ्यास को सॉल्व करेंगे। तो आज हमें मौखिक उत्तर सॉल्व करने हैं और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने मौखिक प्रश्नों से। मौखिक प्रश्न जो हैं वो आपके क्या दिए गए हैं, देखिए। कौन किससे क्या जिद कर रहा था? तीनों मित्रों ने कंधों पर क्या लिया हुआ था और क्यों? दयामित्र ने सिद्धार्थ की किस बात का विरोध किया? दयामित्र घायल बकरी पर दोबारा निशाना क्यों लगवाना चाहता था? तो ये इसके प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें देखने हैं। तो वैसे तो ये मौखिक हैं, लेकिन आपको ये लिखित करने हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि इनके उत्तर क्या हैं। आप लोग देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या था, कौन किससे क्या जिद कर रहा था, कौन किससे क्या जिद कर रहा था। तो अब आपको चैप्टर अगर आपने पढ़ा है ढंग से तो याद होगा कि दयामित्र राजकुमार सिद्धार्थ से शिकार खेलने जाने की जिद कर रहा था या कर रहे थे। दयामित्र और विश्वमित्र राजकुमार सिद्धार्थ से शिकार खेलने जाने की जिद कर रहे थे, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ और विहाग ने ये बोल दिया था कि हम तो यहीं बैठे हुए हैं, हमें यहाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन दयामित्र चाहते थे कि नहीं, इस बार सिद्धार्थ, क्योंकि सिद्धार्थ रोज ही कहते थे कि मैं शिकार खेलने नहीं जाऊंगा, तो वो जिद कर रहे थे। तो ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखिए, तीनों मित्रों ने कंधों पर क्या लिया हुआ था और क्यों? तो इसका उत्तर आपको पता होगा, तीनों मित्रों ने कंधों पर धनुष बाण लिए हुए थे क्योंकि वे शिकार खेलने जा रहे थे। वो शिकार खेलने जा रहे थे तो इसलिए उन्होंने अपने कंधों पर धनुष बाण लिए हुए थे, तो ये इसका उत्तर है। तीसरा देखिए, दयामित्र ने सिद्धार्थ की किस बात का विरोध किया? दयामित्र ने सिद्धार्थ की किस बात का विरोध किया? तो इसका उत्तर क्या है, जब सिद्धार्थ ने घायल बकरी पर दोबारा निशाना साधने के लिए मना किया तो सिद्धार्थ की बात से नाराज होकर दयामित्र ने उसका विरोध किया। फिर से देखते हैं, जब सिद्धार्थ ने, जो बकरी घायल हो गई थी तो उस पर दोबारा निशाना लगाने की बात चल रही थी, तो जब सिद्धार्थ ने घायल बकरी पर दोबारा निशाना साधने के लिए मना किया, सिद्धार्थ ने बिल्कुल मना कर दिया कि बकरी घायल हो गई है, अब इस पर दोबारा निशाना नहीं लगाया जाएगा, तो सिद्धार्थ की बात से दयामित्र नाराज हो गए और उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर चार देखिए, दयामित्र बकरी पर दोबारा निशाना क्यों लगवाना चाहता था? बात यह आती है, दयामित्र सिद्धार्थ की बात का क्यों विरोध कर रहा था, वो क्यों चाहता था कि एक बार घायल बेचारी बकरी पहले से ही हो गई है, उस पर दोबारा निशाना लगाओ, तो दयामित्र की क्यों चाहता था ये? तो इसका उत्तर क्या है, दयामित्र यह साबित करना चाहता था कि वह विश्वमित्र से अधिक अच्छा निशानेबाज है, इसलिए वह विश्वमित्र से जीतने के लिए घायल बकरी पर दोबारा निशाना लगवाना चाहता था। एक बार निशाना लगाया, तो दयामित्र ने बकरी को घायल कर दिया। अब विश्वमित्र को ये चुनौती देना चाह रहा था कि मैंने तो घायल कर दिया, अब तुम करके दिखाओ कि तुम क्या करते हो, इसलिए वो चाह रहा था कि दोबारा बकरी पर निशाना लगाया जाए और विश्वमित्र हार जाए। तो दयामित्र यह साबित करना चाहता था कि वह विश्वमित्र से अधिक अच्छा निशानेबाज है, इसलिए वह विश्वमित्र से जीतने के लिए घायल बकरी पर दोबारा निशाना लगवाना चाहता था। तो ये इसके उत्तर हैं, आप इन उत्तरों को समझ लीजिए, और मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इन्हें याद कर लीजिए, आप ये सीखिए कि उत्तरों को लिखते कैसे हैं। जो प्रश्न में पूछा जाता है बस उतनी ही बात करते हुए हम अपने आंसर्स को लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अगली एक्सरसाइज पर। देखिए अगली एक्सरसाइज में क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, तो बहुत ईजी होती है। देखिए, लताओं और झाड़ियों के फूल पसंद हैं, लताओं और झाड़ियों के जो ऊपर फूल खिलते हैं वो किसको पसंद है, सिद्धार्थ को, विहाग को या दयामित्र को? तो जो फूल हैं वो विहाग को बहुत पसंद है, क्योंकि विहाग ने बोला था कि मैं इनका क्या बना दूंगा, मैं इनका ताज बना दूंगा, एक मुकुट बना दूंगा, ठीक। तो इसका सही उत्तर है विहाग। पहले निशाना किसने लगाया, आपको याद होगी ये स्टोरी, पहले निशाना दयामित्र ने लगाया, विहाग ने तो लगाया ही नहीं था, और विश्वमित्र को ना लगाने के लिए सिद्धार्थ ने बोला था, ठीक है। इसका सही उत्तर है दयामित्र। दूसरी एक्सरसाइज देखिए, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे हैं, किसने कहे हैं, जिसने ये सेंटेंस बोले हैं चैप्टर में, आपको उनका नाम लिखना है। देखिए, तुम लोग चाहो तो शिकार पर जा सकते हो, ये किसने बोला है, तुम लोग चाहो तो शिकार पर जा सकते हो, ये बोला है सिद्धार्थ ने। लेकिन आज मेरा तुम्हारा निर्णय होकर रहेगा, ये बड़ा अहंकारी वाला
वाक्य है जिसमें अहंकार की झलक आ रही है, तो ये अहंकार वाला आदमी कौन सा था, कौन सा था, दयामित्र था। दयामित्र ने बोला है कि लेकिन आज तुम्हारा मेरा निर्णय होकर रहेगा। किसका निर्णय? तुम्हारा और मतलब विश्वामित्र का और दयामित्र का। अगला देखिए, क्या तुम मुझ पर तीर चला सकते हो, क्या तुम मुझ पर तीर चला सकते हो। ये सिद्धार्थ बोल रहे हैं किनसे, दयामित्र से, जब दयामित्र उनकी बात को नहीं मान रहे हैं तब। अगला देखिए, मेरा वह मुकुट तो तुम जीत गए। विहाग ने जो मुकुट बनाया था वो विहाग ने सिद्धार्थ को दिया और बोला कि अब ये विश्वामित्र और दयामित्र तो इस मुकुट के लायक नहीं रहे, मेरा मुकुट तो तुम जीत गए। तो ये सेंटेंस बोला था विहाग ने, ठीक है। नीचे देखिए अगली एक्सरसाइज, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सिद्धार्थ ने किस दृश्य को सुंदर कहा था, निशानेबाजी में जीतने वाले को कौन क्या पुरस्कार देता, सिद्धार्थ शिकार क्यों नहीं खेलना चाहते थे, सिद्धार्थ किसे बचाना चाहते थे और क्यों। इसके उत्तर देखिए क्या होंगे। सिद्धार्थ ने किस दृश्य को सुंदर कहा था, सिद्धार्थ ने प्रकृति के दृश्य को सुंदर कहा था, जहां पर उनको क्या दिखाई दे रहा था, हरियाली दिखाई दे रही थी। तो इसका उत्तर आप अपने आप से बना के लिखिएगा, ठीक। निशानेबाजी में जीतने वाले को कौन क्या पुरस्कार देता, विहाग ने जो फूलों का एक सुंदर मुकुट बनाया था, विहाग ने बोला था कि जो भी निशानेबाजी में जीतेगा मैं उसको वो फूलों का मुकुट दूंगा। सिद्धार्थ शिकार क्यों नहीं खेलना चाहते थे, सिद्धार्थ शिकार इसलिए नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि सिद्धार्थ जो थे वो एक बहुत दयालु व्यक्ति थे, उनके हृदय में जानवरों के प्रति प्रेम था, और शिकार जब खेलते हैं तो जानवरों को मारना पड़ता है, उनकी हत्या करनी पड़ती है, और उनको प्रकृति से बहुत प्रेम था, वो प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए वो शिकार नहीं खेलना चाहते थे। सिद्धार्थ किसे बचाना चाहते थे और क्यों, तो इसका उत्तर क्या है, सिद्धार्थ घायल बकरी को बचाना चाहते थे। और क्यों बचाना चाहते थे, क्योंकि घायल बकरी बहुत दर्द के साथ कराह रही थी और सिद्धार्थ को उसको देखकर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी, तो इसलिए सिद्धार्थ उसे बचाना चाहते थे। ठीक है, एक बार इसका उत्तर और देख लेते हैं। सिद्धार्थ ने किस दृश्य को सुंदर कहा था, क्या होगा इसका उत्तर, मैंने कहा था आप अपने आप लिखिए, तो क्या बनाएंगे। सिद्धार्थ ने किस दृश्य को सुंदर कहा था, सिद्धार्थ ने पहाड़ों की हरी हरी ढाल को और वृक्षों की आड़ से झांकते हुए सूरज को, जलाशय के एक किनारे जो छाएं आ रही थी उसको और दूसरे किनारे जो धूप पड़ रही थी उसको, उस दृश्य को देखकर सुंदर कहा था कि ये सब कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों की हरी हरी ढाल और जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे उन पेड़ों से आती हुई धूप, और जो जलाशय था, तालाब था, तो तालाब के एक किनारे छाएं थी और एक किनारे धूप थी, तो सिद्धार्थ को वो सब देखना था और वो सब सिद्धार्थ को बहुत सुंदर दिख रहा था, इसलिए सिद्धार्थ शिकार खेलने नहीं जाना चाहते थे, ठीक। और उनके साथ विहाग भी शिकार खेलने नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको भी झाड़ियों और लताओं के फूल बहुत पसंद थे, तो उन्होंने मुकुट बनाऊंगा और जो शिकार के लिए जा रहे थे दयामित्र और विश्वामित्र उन दोनों में से जो जीतेगा मैं वो मुकुट उसको तोहफे में दे दूंगा। तो ये पूरी स्टोरी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक पाठांश है, पाठ में से एक अंश लिया गया है, उसे पाठांश बोलते हैं। तो ये पढ़ना है और फिर पीछे प्रश्न है, उनके उत्तर देने हैं। देखिए सिद्धार्थ बोल रहे हैं, अच्छा तो फिर मेरे ही कारण तुम इस समय अपनी हार मान लो, अगर तुम हार कर भी किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हो तो बुरा नहीं है, उसका आशीर्वाद किसी दिन तुम पर भी जीत बिखेर देगा। तो विश्वामित्र कहते हैं, जैसा आप कहें सिद्धार्थ, लेकिन। तो ये हैं इस पाठांश के प्रश्न। इस पाठांश में कौन हारा था, इस पाठांश में विश्वामित्र हारा था क्योंकि उनको दोबारा निशाना लगाने का मौका मिला ही नहीं था। किसका आशीर्वाद किस पर जीत बिखेर देगा, अगर आप किसी के ऊपर दया करते हैं, उसके प्राणों की रक्षा करते हैं, तो उसका आशीर्वाद आपके ऊपर जीत बिखेर देगा। लेकिन पाठ के अनुसार जो घायल बकरी थी उसका आशीर्वाद विश्वामित्र ने चूंकि उसे छोड़ दिया था निशाना लगाने से, इसलिए उसके ऊपर जीत बिखेर देगा। यह संवाद किन दो मित्रों के बीच हो रहा है, यह संवाद राजकुमार सिद्धार्थ और विश्वामित्र के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके आंसर है। आगे चलते हैं, भाषा की बात, रेखा खींचकर सही मिलान करना है। तो देखिए, हिंसा नित्य इच्छा दृश्य सफल, इधर ये शब्द दिए गए हैं और इधर दिए गए हैं असफल, अनिच्छा अहिंसा अनित्य और अदृश्य।
आप देख रहे हैं सम में अ लगा हुआ है, अ उपसर्ग लगा हुआ है, और अ उपसर्ग का मतलब क्या होता है? नहीं। तो यहाँ ये सारे विलोम शब्द हैं। तो हिंसा अहिंसा से मिलाएंगे, नित्य को, नित्य मतलब होता है रोजाना, उसको अनित्य से मिलाएंगे, इच्छा अनिच्छा से मिलाएंगे, दृश्य, दृश्य मतलब देखना या कोई सीन है ना, और अदृश्य मतलब जिसे देखा ना जा सके, जो गायब हो उसे अदृश्य बोलते हैं, और सफल असफल से मिलाएंगे। तो ये अ उपसर्ग वाले पांच शब्द हैं, आगे कभी लिखने में आपके काम भी आ सकते हैं। आगे देखिए एक्सरसाइज 2, ध्यान से पढ़िए। पेड़ की हरी हरी डाल, अच्छी बांसुरी, काला काला धब्बा, और ज्यादा सुंदर मुकुट, ये सब क्या है? विशेषण है। तो इन वाक्यों में हरी हरी, अच्छी, काला काला और सुंदर शब्द, डाल, बांसुरी, धब्बा और मुकुट संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण शब्द हैं, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इन वाक्यों में हरी हरी, अच्छी, काला काला और सुंदर शब्द, डाल, बांसुरी, धब्बा और मुकुट आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण शब्द हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ये सब हम जानते हैं, है ना। आगे देखिए उचित विशेषण शब्द भरकर वाक्य पूरे करने हैं। ऊंचा, लाल, ठंडी ठंडी, हरा भरा और लंबे। तो उन्होंने रंग के कपड़े पहने हुए थे, क्या भरा जाएगा? उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, ठीक। पहाड़ कैसे थे? पहाड़ ऊंचा और कैसा था? हरा भरा था। पहाड़ ऊंचा और हरा भरा था। जंगल में हवा चल रही थी, कैसी? ठंडी ठंडी। जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सिद्धार्थ के बाल कैसे थे? लंबे थे। सिद्धार्थ के बाल लंबे थे। तो ये सारे विशेषण शब्द हैं, ऊंचा, लाल, ठंडी ठंडी, हरा भरा, लंबे। तो ये विशेषण शब्द हमने इसमें फिल कर लिए हैं, भर लिए हैं। तो ये चैप्टर की एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है। आपको जो कुछ भी इस चैप्टर की एक्सरसाइज में समझाया गया है, पढ़ाया गया है, वो सब आपको अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है, और वो भी बिल्कुल क्यूट, सुंदर, फेयर, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो मैं आपसे अब लीव लेती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।